नमस्कार दोस्तों, उमास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट पैनकेक। बच्चे अभी तो घर में है, पूरा टाइम बोलते हैं क्या खाऊंगी, तो उन लोगों के लिए ही आज मैंने सोचा कि कुछ बनाती हूँ। तो फिर मैं ये चॉकलेट पैनकेक बना रही हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं चॉकलेट पैनकेक। जो इसको बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो पहले है मैदा। मैदा मैंने यहाँ एक कटोरी लिया है, चीनी लिया है 3 चम्मच, थोड़ा सा बटर लिया है, दूध लिया है जितना घोलने में लगेगा, ये मेरा कोको पाउडर है, मैंने कोको पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा चाहिए और बस थोड़ा सा 1 चिमटी नमक चाहिए। अभी मैं सारे चीज़ों को इस बोल में एक एक करके मिलाती जाऊंगी। पहले मैंने मैदा डाला, फिर मैंने चीनी डाला, मैं दूध में ये बटर को डाल के इसको थोड़ा मेल्ट कर लेती हूँ। मैं बटर और दूध को मेल्ट करके लेके आई। अभी 1 चम्मच कोको पाउडर डालूँगी, आधी चम्मच बेकिंग पाउडर डालूँगी और 1 चिमटी सॉल्ट डालूँगी। ये ऑप्शनल है, आप लोग डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। जो दूध और बटर मैं मेल्ट करके रखी थी, मैं इसमें धीरे धीरे मिलाती जाऊंगी। आप लोग देख लेना जितना दूध लगेगा, आप उसको बैटर बना लेना, देखना जैसे बिल्कुल लम्स ना पड़े। देखिए बैटर मेरा रेडी हो चुका है, बिल्कुल लम्स भी नहीं पड़े, पूरा बैटर इस थिक में ही होगा। और इसको मैं अभी आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। पैन गर्म हो चुका है और बैटर भी अभी काफ़ी देर रेस्ट कर चुका है। अभी मैं पैन में थोड़ा बटर लगा दूंगी। ऐसे लगाने के बाद मैं धीरे धीरे करके एक एक करके ऐसे बैटर डालती जाऊँ। इसको डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर ढक दूंगी तो ये फूल जाएगा। देखिए कितना सुंदर देखने में हुआ है। अभी इसको मैं थोड़ा सा पलट दूंगी, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, पूरा इस साइड पक चुका है। बच्चे तो इसे मज़े से खाएंगे। देखिए मेरा पूरा पैनकेक तैयार हो चुका है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए और बनाइए घर में।